It's November 12th, paper 1-2. The diagram is a speed time graph of a cyclist. The cyclist accelerates uniformly from a speed of u meters per second to a speed of 3 u meters per second in a time of 10 seconds. Speed time graph drawn hai hamare paas. Find an expression in terms of u for the acceleration. Answer hamare paas in terms of u aayega. Hame chuki acceleration nikalni hai, speed time mein acceleration nikalne ka method hota hai hamare paas rise upon run. To rise kya hai hamare paas 3 u minus u is 2 u. और रन क्या है हमारे पास 10 माइनस 0 इज 10. तो फाइनल आंसर क्या होगा, राइज इज 2u एंड रन इज 10. तो 2u अपॉन 10 इज u अपॉन 5. ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट फ्रॉम t0 टू t10 इज 40. तो इसका आपको डिस्टेंस पता है. डिस्टेंस निकालने का मेथड क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व. हमारे पास शेप्स क्या बन रहे हैं, एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसको मैंने 1 कहा हुआ है और एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसको मैंने 2 कहा हुआ है. अगर 1 का एरिया निकालेंगे दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय यू, इट्स 10 यू. और अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो इट्स 1 अपॉन 2 बेस इनटू हाइट. बेस इज 10 राइट एंड हाइट इज 2 यू. ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 इनटू 2 यू. ये आ गया हमारे पास 10 यू. टोटल आपको डिस्टेंस पता है 40. तो 10 यू प्लस 10 यू इक्वल टू 40 और यू का आंसर हमारे पास 20 आ गया. ये इसका आंसर. ऑन द ग्रिड बिलो स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द साइक्लिस्ट. अब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो ये मालूम होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है हमारा 10 सेकेंड्स में. 40 का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो मैंने पॉइंट तो यहां पर बना दिया. अब ये कर्व क्यों आया, इसका आंसर हमारे स्पीड टाइम ग्राफ में होगा. अगर स्ट्रेट लाइन होती है, इंक्लाइंड लाइन होती है, तो इंक्लाइंड लाइन हमारे पास कर्व में ट्रांसफॉर्म होती है. ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ये इंक्लाइंड लाइन इस कर्व में ट्रांसफॉर्म हो गई. मैं दोबारा बता दूं, हमारे पास चार चीजें होती हैं, कर्व, इंक्लाइंड लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड लाइन इक्वल टू एट जीरो राइट. अगर हम डिस्टेंस से स्पीड का ग्राफ बनाते हैं तो हम इसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉलो करते हैं, और अगर हम स्पीड से डिस्टेंस बनाएंगे तो हम इन्हीं लाइंस को बॉटम टू टॉप फॉलो करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास स्पीड टाइम में इंक्लाइंड लाइन है, हमारे पास स्पीड टाइम में इंक्लाइंड लाइन है. तो अगर हम स्पीड से बना रहे हैं डिस्टेंस तो इंक्लाइंड लाइन जाएगा कर्व के ऊपर, इसीलिए ये कर्व बना है हमारे पास. इट्स जून 2012, पेपर 1-1. डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार ट्रेवलिंग बिटवीन टू रोड जंक्शंस. ये आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ आ गया. कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द कार बिटवीन t48 टू t58. तो मैंने यहां पर पॉइंट हाईलाइट कर दिया 48 का और यहां पर आ गया मेरे पास 58 का. ठीक है, हमें फाइंड करना है रिटार्डेशन, दैट मींस राइज अपॉन रन. तो मैंने लास्ट वाले पार्ट का रिटार्डेशन अगर निकालना है तो राइज मेरे पास कितना है, राइज इज 15. और अगर मैं रन की बात करता हूं तो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन 58 एंड 48, दैट इज 10. तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा राइज इज 15 एंड रन इज 10. तो इसका आंसर आ गया 1.5. ये मेरे पास रिटार्डेशन है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार व्हेन टी इज इक्वल्स टू 8. जहां पर t की वैल्यू 8 है वहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है ना, बाय ड्रॉइंग आर टेंजेंट. तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. टेंजेंट कौन सी लाइन होती है, वो लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करे उसको हम टेंजेंट कहते हैं. टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद मैंने इस टेंजेंट पर कोई भी दो पॉइंट्स आप ले सकते हो. तो मैंने एक पॉइंट इसको कंसीडर कर लिया और एक पॉइंट मैंने इसको कंसीडर कर लिया. ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ही आसान है कि इसके निकाल लिए. यहां पर एक्स और वाई की वैल्यूज देख ली और यहां पर मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज देख ली. एक्स और वाई की वैल्यूज देखने के बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ग्रेडियंट का, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन. तो ये मेरे पास एक्स वन वाई वन हो गया, ये मेरे पास एक्स टू वाई टू हो गया. वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 0.9. दैट मीन्स द रिटार्डेशन इज 0.9. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन t15 टू t58. डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए एरिया अंडर द कर्व. कहां से कहां तक निकालना है हमें, 15 से लेके 58. तो मेरे पास 15 ये पॉइंट है और 58 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया. ठीक है ना, ये रहा. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, और एक मेरे पास ये ट्राइंगल बन रहा है. तो जब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा तो ये मेरे पास आएगा 48 माइनस 15, ठीक है, और कितनी हाइट पे जा रहा है, 15 की हाइट पे जा रहा है. तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज वॉट, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इज वॉट 58 माइनस 48, दैट इज 10, और हाइट इज वॉट, हाइट इज 15. तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 75.
दोनों एरियाज को मैंने अब क्या किया, सिंपल ऐड किया, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 570, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इट्स जून 12, पेपर 21। द ट्रेवल ग्राफ रिप्रेजेंट शाहिद जर्नी टू एंड फ्रॉम अ फुटबॉल मैच। ही ट्रेवल्स फ्रॉम होम स्ट्रेट टू द फुटबॉल स्टेडियम एंड वॉचेज द मैच। ऑन हिज वे होम ही स्टॉप्स एट अ कैफे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास पोर्शन है ये कैफे का है, क्योंकि जब वो घर वापस जा रहा था तो वो कैफे पे रुक गया, तो ये हमारे पास कैफे आ गया। ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स डज शाहिद स्पेंड एट द फुटबॉल स्टेडियम। फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, ये वाला टाइम फुटबॉल स्टेडियम का है। फुटबॉल स्टेडियम वो पहुंचा कब, 14:30 पर पहुंचा, हमें टाइम मिल रहा है एक्स एक्सिस से। फुटबॉल स्टेडियम से रवाना कब हुआ, 16:48 पर रवाना हुआ, हमें टाइम मिल रहा है एक्स एक्सिस से। अब कितने मिनट्स वो रुका, तो आपने सिंपल इन दोनों टाइम को माइनस करना है। ठीक है, तो दोनों टाइम को हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 hours 18 minutes, क्योंकि उसने कहा है हाउ मेनी मिनट्स, तो हमने इसको कन्वर्ट किया। 2 hours का मतलब हो गया 120 minutes, तो 120 plus 18 is 138 minutes उसने वहां पर स्पेंड किए। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर ऑन हिज जर्नी टू द फुटबॉल स्टेडियम। स्पीड निकालना है हमने और हमारे पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम पर स्पीड कैसे आता है, ग्रेडियंट से आता है, दैट मीन्स राइज अपॉन रन। तो अगर मैं इसका राइज देखूं तो राइज मुझे मिल गया इसका 66, जहां पर फुटबॉल स्टेडियम है, और अगर मैं इसका रन देखूं तो ये आ रहा है 13 से लेके 14.5, दैट मीन्स 1.5 का इसका रन हो गया, तो हमारा आंसर आएगा 66 डिवाइडेड बाय 1.5, ये हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया 44 किलोमीटर पर आवर। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुटबॉल स्टेडियम एंड द कैफे। अब हमारे पास जो फुटबॉल स्टेडियम था दैट इज 66 किलोमीटर, हमारे पास जो कैफे है वो हमारे पास है 38। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 66 माइनस 38, तो 66 माइनस 38 इज 28, ये इसका डिस्टेंस आ गया। बिटवीन विच टू प्लेसेस डज ही ट्रेवल द फास्टेस्ट, किन दो जगहों पर ही आया। तो ये फुटबॉल और कैफे के बीच जो इसका डिस्टेंस इसने कवर किया है, उस वक्त इसकी स्पीड फास्टेस्ट थी। जितनी लाइन का ग्रेडियंट टिल्ट होता रहेगा उतना वो टाइम ज्यादा लगेगा। देखें इसका हमारे पास ग्रेडियंट ज्यादा है, ठीक है, और इसका ग्रेडियंट हमारे पास बहुत कम है। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन हमारे पास ऐसे है, इसका मतलब ये जो लाइन होगी इस वक्त इसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, जितनी लाइन इंक्लाइंड होगी उतनी स्पीड ज्यादा होती रहेगी उसकी। तो हमारे पास फुटबॉल और कैफे के बीच की जो स्पीड है उसकी, वो सबसे ज्यादा है।